अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 15 दिनों से लगातार शिक्षक भर्ती लेवल 1 की नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर लेवल 1 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा दे दी गई है, लेकिन लगभग 5,000 से अधिक पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, जिसकी मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से ये अभ्यर्थी यहाँ शहीद स्मारक पर अपना डेरा डाल रखे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 15 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से वार्ता के लिए बुलावा है आपका? हाँ सर, गए तो हैं, लेकिन बस वहाँ ओनली आश्वासन ही मिलता है कि हाँ हम आपका काम करवाएंगे, बट आज हमें 15 दिन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कल हमारी फिर हेयरिंग है 13 तारीख को, तो बस सरकार से यही निवेदन है कि हमारी एजी से पैरवी करवा के हमें ज्वाइनिंग दिला दे, क्योंकि सर मिलने तो जाते हैं लेकिन बस यूँ ही बोलते हैं भाई हाँ काम करवाएंगे काम करवाएंगे। OTS भी जाके आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिल लिए, सबसे मिल लिए, ओनली बस आश्वासन ही मिलता है हमारा काम ही नहीं हो रहा। देखिए, तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग सरकार से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, पिछले 15 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए बुलावा है? सर, केवल सरकार आश्वासन देती है और कुछ नहीं है उनके लिए। कल हमारी सुनवाई है, तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि सर कल हमारी AG से पैरवी अच्छे से करवाए और हमें नियुक्ति दिलाए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसकी आचार संहिता लग जाएगी, उसका भी डर है। हमारे पास केवल फरवरी है, उसमें हमें ज्वाइनिंग चाहिए। कैसे मैम, कहाँ से आए धरने के दौरान, किन किन समस्याओं से? मैं जयपुर से हूँ, लोकल हूँ। धरने पे बहुत रात को रुक रहे हैं, दिन में धूप पड़ रही है, रात को ठंड पड़ रही है, इस वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है, यहाँ पे वॉशरूम बंद कर देते हैं रात को, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती लेवल 1 से जुड़े हैं और लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 15 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार तक बात पहुँची है? अभी तक तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला सर, आश्वासन नहीं मिलते कि हाँ करवाएंगे, पर ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक। मैम, कल आपके मामले की कोर्ट में सुनवाई है, क्या सरकार ढंग से पैरवी करेगी आपको लग रहा है? सर, अभी कुछ उम्मीद नहीं है कि कल भी हमारा काम हो जाएगा, हमें डेट पर डेट ही मिलती आई है अभी तक तो। मैम, 15,000 से अधिक पदों पर सरकार के द्वारा नियुक्ति दे दी गई है, 5,000 पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई, सरकार भेदभाव कर रही है? भेदभाव तो दिख ही रहा है ना, हमने क्या किया, सुर क्या है क्या, जो 15,000 को तो नियुक्ति दे दी और हम 5,000 को रोक दिया, क्या कसूर है हमारा? हमने भी तो वही एग्जाम फाइट किया है ना जो उन्होंने किया था, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। अब तो बस यही विनती है सरकार से कि जो 13 को होने वाली सुनवाई उसमें मजबूती के साथ में AG से पैरवी करवाए और रेथा स्थिति हटवाए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार से इनकी प्रमुख मांग यही है कि सरकार के द्वारा इनको नियुक्ति दी जाए। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पिछले वर्ष लेवल 1 शिक्षक भर्ती आयोजित करवाई गई थी, उसकी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 15 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, किस मांग को लेकर आप सरकार तक? सर, हमारे साथियों को 6 महीने हो गए ज्वाइनिंग दिए हुए, हमें नहीं दी है, तो हम चाहते हैं कि कल AG से पैरवी कराए और हमें नियुक्ति दे। हम कहाँ से? जोधपुर से हैं। किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा? सर, बहुत सारी समस्याएं हैं, घर वालों से ताने मिलते हैं, बाहर वालों से ताने मिलते हैं कि आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली है, क्या हो गया है, जॉब लगी है या नहीं लगी है। मैम, आप कहाँ? जोधपुर से ही। मांग क्या? मांग यही है कि AG से पैरवी करवा दे हमारे 13 तारीख को कल ही। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और लगातार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 15 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार या बोर्ड की तरफ से आपके लिए कोई बुलावा या वार्ता के लिए? ना तो कोई सरकार आ रही है, ना कोई बोर्ड आ रहा है। युवाओं को खून के नहीं, खून के आंसू रुला रहे हैं, जानबूझकर खून के आंसू रुलाने को मजबूर हो रही है ये सरकार। हमारा खून पी के ही मानेगी क्या ये सरकार? हम भाजपा सरकार से निवेदन करते हैं कि कल 13 तारीख को हमारी युवाओं की सरकार बात सुने और हमें यहाँ से निकाले। क्यों हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने को मजबूर कर रही है? इस खुले आसमान के नीचे ना खाना है, ना पानी है, ना दाना है, क्यों हमें सरकार रुलाने के लिए मजबूर कर रही है? हमारा खून देखना चाहती है। अगर ये सरकार खून ही देखना चाहती है तो हम युवा अपना खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नियुक्ति चाहिए। भाई भगवान,
इन इन युवाओं के बारे में सोचो भाई, सरकार अब तो तू किसान की सरकार बन गई, कम से कम इन किसान के बच्चों के बारे में सोचो। क्यों हमारा खून पीने के लिए तैयार हो रहे हो आप लोग? हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे लिए कोई दस्तूर नहीं मिल रहा। निदेशालय जाते हैं तो निदेशालय बोलते हैं हमने आपको सेलेक्ट कर दिया, बोर्ड वाले जाते हैं तो बोर्ड वाले बोलते हैं हमने आपको सेलेक्ट कर दिया। आखिर युवा स्कूल में जाने के लिए किससे गुहार लगाए? हम राजस्थान सरकार, भाजपा सरकार से गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं कि भगवान इस सरकार के दिमाग में अच्छा से बुद्धि दे और हमें 13 तारीख को हमारी पैरवी है, कल से हमारा पैरवी अच्छे से करवा के महाधिवक्ता से और हमारे लिए नियुक्ति का रास्ता खोले, है हमारा निवेदन है सरकार से। देखिए तमाम अभ्यर्थी रीढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 15 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, क्या सरकार तक आपकी बात पहुंची है अभी तक? देखो सर, सरकार से हमारा डेलीगेशन तो रोज आ रहा है लेकिन सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अब हमारी फिर से सरकार से मांग है कि कल हमारी जो पैरवी है उसको जब रखवा जिसे पैरवी करवा कर यह हताशस्थिति हटवाए और हमारे को नियुक्ति दे। सर, 15 दिनों से लगातार आपको प्रदर्शन जारी है, किन किन समस्याओं से आपको गुजरना? सर, समस्या तो सभी होती है, यहाँ पानी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, रात को इस यहाँ भरी सर्दी में बाहर सोते हैं तो समस्याएं तो बहुत होती है सर, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। हम सरकार को बोलना चाह रहे हैं जो यहाँ रोज़ बैठे हैं 15 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 20 दिन से हमने मंत्रियों के पास जो भी हमारे MLA हैं, विधायक, सांसद सबके पास जाकर हम उनको अपनी बात रख रहे हैं लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहे हमारी। तो जो 15 दिन से हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, हमारा कसूर क्या है? जो बैठे हैं वो सभी किसान वर्ग से बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं रोज़, तो सरकार से यही मांग है कि वो अपना हमारी 13 तारीख को पैरवी करवा कर जिसे और हमें जल्दी नियुक्ति दे। सर, कहाँ से आए, किस मांग को? सर, मैं अलवर से आया हूँ, सुरेंद्र यादव। Level 1 रीट में हम लोग सब चयनित हैं। सरकार, आपके चैनल से मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को मान चुकी है, सरकार के डॉक्यूमेंटों में ये बात निश्चित हो चुकी है कि उन्होंने 19,000 बच्चों का चयन किया है और 15,000 बच्चों को नियुक्ति दी है। सरकार से खुद ने भी जो अपनी लेटर जारी करें उसमें ये कह चुकी है कि हमने 19,000 बच्चों को नियुक्ति दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई क्या है, ये क्या छुपाना चाहते हैं, क्या जोर जुलम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चैनल हमारी बराबर मदद कर रहा है, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं, धन्यवाद के पात्र हो आप लोग कि ऐसी विपताओं में हम बाहर सो रहे हैं, ठंड में पड़े हैं, घर परिवार छोड़े हैं, भूखे प्यासे, यहाँ कोई रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है। सच बात तो ये कि हमें स्कूल में होना चाहिए था लेकिन हम यहाँ धरने पर पड़े हैं। आपके माध्यम से कई बार संज्ञान हुआ, सरकार तक संज्ञान हुआ, मुख्यमंत्री जी से भी OTS में बच्चे मिले, सबके साथ एक आश्वासन दे रहा कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आखिर क्यों? जब मुख्यमंत्री जी भजनलाल इतने पावरफुल आदमी हैं कि जो 20 साल का मामला ERCP का मामला था वो 7 दिन में उन्होंने सलटा दिया, तो वास्तव में एक योग्य करार व्यक्ति हैं, हम सब उनके बालक हैं, अपेक्षा करते हैं उनसे, सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। हमारी कोई कार्यवाही है वो अनुशासनात्मक नहीं है, अनुशासनात्मक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी बात को उठा रहे हैं, तो प्लीज़ सरकार के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है और वास्तव में हम इस मामले के हैं नहीं, हमारा कोई कोर्ट का मामला नहीं है, ये जानबूझ के हमें घसीटा जा रहा है। सर, 15,000 पदों पर नियुक्ति मिल गई, 5,000 पर बाकी है, क्या सरकार आपसे भेदभाव कर रही है? सर, ये तो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, सरकार को पता है, सरकार के लोगों को पता है, सरकार ने अपने डेटा में भी ये कहा है कि हम बच्चों को नियुक्ति दे चुके हैं। हमारा एक डेलीगेशन बीकानेर भी गया, बीकानेर से ये पूछा कि भाई माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से कि जब आप लोग 19,000 को नियुक्ति डायरेक्ट कर रहे हो फिर भी यदि हम लोगों का नियुक्ति में नाम क्यों नहीं आ रहा, तो वो कह रहे नहीं ये हमारे से क्या हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सरकार वास्तविकता में हमारे साथ ये भेदभाव कर रही है, शायद हमसे ये गलती हो गई कि पिछली सरकार की वैकेंसी थी। कल हाईकोर्ट में आपके मामले की सुनवाई है, क्या सरकार ढंग से पैरवी करेगी? उम्मीद आप? उम्मीद तो आप सरकार से लगा सकते हैं, हम तो ना कोई वकील हैं ना कोई जज हैं, तो हमारे तो भगवान हमारे लिए सरकार ही है और सरकार से हम उम्मीद लगा सकते हैं और उम्मीद ही सबसे बड़ी किरण होती है। और इसलिए भजन लाल जी, आपको इन बच्चों की दुआएं लगेंगी, सरकार की दुआएं लगेंगी और ये सारी राजस्थान की जनता की घरों में दीपक जलेगा, उसकी दुआएं लगेंगी, आपका शासनकाल हमारे लिए बेहद खुशहाली का होगा यदि वास्तव में आप लोग हमारी सहायता करते हो तो। आप धन्यवाद। देखिए तमाम अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लगातार इनकी मुख्य मांग सरकार से ये है कि सरकार द्वारा जो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे कोर्ट में है उस पर सरकार की तरफ से कोर्ट में अच्छे ढंग से पैरवी की जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 15 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, कहाँ से आए हैं, किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है? सर, मैं दौसा से आया हूँ, महुआ से, और आज ये आंदोलन 29 तारीख से स्टार्ट है, आज तक कोई भी जैसी की स्थिति वैसी चलती आ रही है और हमें देखो बिल्कुल हताश हैं। इस टाइम संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन हताश हैं क्योंकि हर बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, हम क्या करें सर, कोई
कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब आगे देखो कल की तारीख देख, तो मालिक क्या करता है, सबसे बड़ा तो वो है, लेकिन ये सरकार सबसे बड़ी वो है हमारे ऊपर, तो यही मालिक है। अब क्या करें सर, और आगे क्या बताएं, यही है सर मेरा तो, ये कैसे भी हमारा काम हो और फिर हमें नियुक्ति मिले। देखिए तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती लेवल 1 से जुड़े हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पिछले वर्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21,000 पदों पर रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित कराई गई थी, जिसमें 15,000 से अधिक पदों पर स्कूल में सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त कर दिया गया है शिक्षकों को, लेकिन 5,000 से अधिक पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में ये अभ्यर्थी सरकार तक अपनी नियुक्ति की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।